दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन है आज। आज सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम केजरीवाल। विशेष सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में हंगामे के भी हैं आसार। दिल्ली में शराब नीति पर सियासत चरम पर है। सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है, जिसे आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल के साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने बीजेपी पर सिसोदिया को सीएम बनाने और 12 आप विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिए जाने का आरोप भी लगाया था। केजरीवाल ने कहा कि वो कॉन्फिडेंस मोशन में जनता को दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन कीचड़ हो गया है। उन्होंने जिन लोगों को चुना है एक एक हीरा है, ये मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन टूटने वाले नहीं हैं। एक भी आदमी नहीं टूटा। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब बहुमत परीक्षण का दांव चल दिया है। इसके लिए विशेष सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।